हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है मूल विधि में संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहले धारा 378 में क्या है? चोरी। धारा 378 में क्या है चोरी है। इसमें धारा 379 में क्या दिया गया है? चोरी के लिए दंड। चोरी क्या होता है? किसी की चल संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से बाहर ले जाना। या उसका बेईमानीपूर्ण आदेश से उसको ले लेना, तो ये क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। और धारा 379 में क्या है? चोरी के लिए दंड है। दंड कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। 3 वर्ष का कारावास और या जुर्माना, और या दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और उसके बाद 383 आता है। धारा 383 में क्या है? उद्यापन। क्या है? धारा 383 में उद्यापन। तो उद्यापन देखिए, उद्यापन क्या होता है? सबसे पहले उद्यापन समझ लीजिए। उद्यापन के बारे में, जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भय में डालकर, कैसे? भय में डाल के किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है, या कोई मूल्य हस्तांतरित करा लेता है, कोई हस्ताक्षर करा लेता है, तो धारा 383 के अंतर्गत वह एक अपराध की श्रेणी में आता है। उद्यापन क्या है? जहाँ कोई व्यक्ति किसी को या उससे संबंधित व्यक्ति को क्षति के भय में डाल के कहता है, हानि कर देंगे, उसका भय में डालकर संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित कोई लेख प्राप्त कर लेता है, तो धारा 383 उद्यापन के अंतर्गत दंड है। ठीक है, और इसके बाद 384 आता है। धारा 384 में क्या दिया गया? इसके लिए दंड दिया गया है। क्या दिया गया है? धारा 384 में इसके लिए दंड दिया गया है, उद्यापन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो दंड दिया गया है वो 3 वर्ष का दंड है। कितना? 3 वर्ष का। सेम ऊपर वाला जो है, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और फिर उसके बाद आता है धारा 390 में क्या है? लूट। क्या है? धारा 390 में दिया गया है लूट। लूट तो सभी लोग जानते हैं। देखिए, लूट और उद्यापन में अंतर क्या है? लूट में भी भय होता है, उद्यापन में भी भय होता है, लेकिन लूट में जो होता है तत्काल भय होता है, तुरंत भय होता है, लेकिन उद्यापन में तत्काल भय नहीं होता है। कहता है मैसा तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हें कोई ऐसी हानि पहुंचा देंगे, तो उसमें बाद का भय होता है। और लूट में क्या होता है? तुरंत भय होता है। जैसे घर में किसी के कोई घुस गया है और वो सीधे चाकू उसकी गर्दन पे रखा है, तत्काल भय है, तुरंत भय है उसका कि कहीं तुरंत ना मार दे। अब इसमें कल परसों नरसों पता नहीं कब नुकसान करेगा। ये है लूट और उद्यापन में अंतर। तो ये इसमें हो गया लूट। लूट क्या होता है? सब प्रकार की लूट या तो चोरी होती है या उद्यापन। जितने भी प्रकार की लूट हैं, या तो वो चोरी होगी या तो वो उद्यापन होगा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब फिर आता है धारा 391 में क्या है? डकैती है। डकैती जानते हो? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर किसी के घर में लूट करते हैं, यानी लूट में ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसे ही डकैती कहते हैं। तो क्या होता है? जहाँ 5 या 5 से व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, वह डकैती का अपराध है। ठीक है, फिर आता है धारा 392 में क्या है? लूट के लिए दंड है, डकैती के लिए नहीं, लूट के लिए दंड। दंड दिया गया किसके लिए?
लूट के लिए दंड, लूट के लिए दंड है, ठीक है, लूट के लिए इसमें दंड दिया गया है। कठिन कारावास 10 वर्ष का, कितना, 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, ठीक है, धारा 392 में जो दिया गया है लूट के लिए दंड दिया गया है, ठीक है। डकैती, डकैती क्या होता है, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर, कैसे, संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डकैती कहते हैं, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद देखिए 395 में डकैती के लिए दंड है, धारा 395, धारा 395 में क्या है, डकैती के लिए दंड है, ये डकैती है, इसके लिए, डकैती के लिए दंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।